आगामी 7 नवंबर से शुरू होने वाली छात्र युवा अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए आईसा द्वारा बैठक किया गया। हम आपको बता दें कि आईसा 7 नवंबर से 21 नवंबर तक चंडीगढ़ से कोलकाता तक छात्र युवा अधिकार यात्रा निकालने जा रही है। देखना ये होगा कि इस यात्रा का प्रतिफल कितना असर केंद्र सरकार पर डालता है। नेट में कटौती, नेट का एग्जाम होता था हर साल 2 बार, तो एक ही बार परसेंटेज भी उसमें कम हो। ये सरकार का दिशा क्या है, शिक्षा को लेकर के क्या दिशा? शिक्षा को लोग हैं, खासे इसलिए लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं और वो लोग कहाँ हैं, तो लोग इस देश के कल कारखानों में काम करते हैं, इस देश के खेत खलिहानों में काम करते हैं, इस देश के वो खान खदानों में काम करते हैं, इस देश के निर्माण क्षेत्र में ईंट भट्टों पर ओवर ब्रिज बनाने में, और पढ़े भी तो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों में स्कूल की क्या दशा है? स्कूल की दशा है कि मिडिल क्लास के 100 में 60 बच्चे हिंदी नहीं पढ़ पा रहे। ये जांच रिपोर्ट है हम लोग पास, 75 स्कूलों की जांच रिपोर्ट, वो एक जांच रिपोर्ट के आधार पर हम लोग बोल रहे हैं कि इस तरह से कखहरा उनको अंग्रेजी में, हिंदी में भी, यहाँ तक कि 9th क्लास के आधे से ज़्यादा बच्चे हिंदी का रीडिंग नहीं दे सकते, 25% बच्चे मैट्रिक क्लास के हिंदी तक नहीं पढ़ सकते बढ़िया से, अमरील स्कूल के तो 60% बच्चे। तो ये भी जो स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा है, ये स्कूल को बर्बाद करके जब सरकारी स्कूल बर्बाद होंगे तो सरकारी स्कूल में किनके बच्चे पढ़ते हैं? उन माओ की बेटियां हैं, बेटे हैं जो माँ खेतों में रोटी करते हैं, उनके पिताजी माँ साल की लड़की और तो नौजवान होती ना सीधी सा मैंने पढ़ती तो मार दिया। ये जो हमला है, इस हमले को हमें नौजवानों के बीच में ले, अगर हम लोग नहीं ले रहे तो फिर हम किस बात के बैठक किया गया है बताया जाए। आप ऐसा के काफी कदावर एक नेता माने जाते हैं, ये शाहबाद कि आईसा इनोस के छात्र युवा नेताओं की ये मीटिंग है। ये 7 नवंबर से शिक्षा और रोजगार के सवाल पर पंजाब से चंडीगढ़ से यात्रा शुरू होगी और यहाँ पर 13 नवंबर को आरा में पहुँचेगी। आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने देश के नौजवानों के साथ जो वादा किया था हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का, आज उनका वायदा छलावा साबित हुआ है। देश के नौजवानों के साथ रोजगार के मोर्चे पर उन्होंने गद्दारी करने का काम किया है, और ना केवल मोदी जी बल्कि बिहार में नीतीश जी भी, यहाँ 50 से 70% स्कूल और कॉलेजों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ के पद खाली पड़े हैं और यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। कोई कल कारखाने अभी यहाँ बिहार में नहीं लगे, और शिक्षा को भी सीटों में कटौती हो रही है, छात्रवृत्ति में कटौती हो रही है, फंड में कटौती हो रही है, बजट में कटौती हो रही है, नेट में कटौती हो रही है, तो शिक्षा के अवसर को भी ये दोनों सरकार छीन रही है। और एक साजिश है कि इस देश में बड़े अमीर बाप के बेटे, अंबानी अडानी घराने के लड़के ही, पूंजीपति थैलीसाहों के बेटे बेटियाँ ही पढ़ेंगे, और गरीब मजदूर किसानों के, दलितों के, उत्पीड़ित जो जनता है, मजदूर किसान जो खेत खलिहानों में, कल कारखानों में, खान खदानों में, ईंट भट्टों पर जो काम करने वाले लोग हैं, उनके बच्चों से शिक्षा को छीनने की साजिश, उनके शिक्षा के अधिकार पर, संवैधानिक अधिकार पर, लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला करने की साजिश ये दोनों सरकारें कर रही है। आईसा और इनोस शिक्षा और रोजगार पर ये हमले कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और शिक्षा रोजगार के सवाल पर जहाँ भी आवाज़ उठ रही है, चाहे वो आवाज़ रोहित ममुल्ला ने उठाई हो, चाहे वो आवाज़ BHU के छात्राओं ने उठाई हो, हर आवाज़ पर ये सरकार दमन ढा रही है, और ये सरकार चाह रही है कि लाठियों से, जेलों से, मुकदमों से, बंदूकों से देश के छात्र नौजवानों की आवाज़ को हम खामोश कर देंगे। ये सरकार गफलत में है, ये मुल्क शहीद आजम भगत सिंह का मुल्क है, अशफाकुल्ला का मुल्क है, ये धरती हमारे वीर पुरुष की धरती है, और इस मुल्क में जब जब
छात्र नौजवानों के ऊपर हमले हुए हैं, तब तक छात्र नौजवानों ने सीना ताना है और एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ा है और शिक्षा रोजगार के सवाल पर देश भर में एक जन आंदोलन छिड़े, शिक्षा रोजगार के सवाल पर देश भर में छात्र युवाओं के आंदोलनों का जवाब उठे, इसी मकसद से ये छात्र युवा अधिकार यात्रा आयोजित है जो 13 तारीख को यहाँ आ रही है। उसी की तैयारी के लिए ये चार जिला भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर जिला के ऐसा इनौस के नेताओं की मीटिंग चल रही है।